हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स करके क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि सेशन 2021-22 में छात्रों को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि हम बीटेक के स्टूडेंट हैं, हम बीए के स्टूडेंट हैं, हम बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी या फिर क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो हमें सेशन 2021-22 में कितने रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे, प्लस आपको बताएंगे जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो कब तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप लोग यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सारी जानकारी कहां से ले सकते हैं, जैसा कि आपका यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस हो गया, यूपी स्कॉलरशिप का कलेक्शन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस साल आपकी कितनी स्कॉलरशिप आएगी अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए, बीएलएलबी वगैरह के। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित अपना स्टेटस प्लस आप लोग करेक्शन कहाँ से कर सकेंगे जैसे ही डेट्स आती हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या, आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। वहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकती हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है, आपको यहाँ पे चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2021-22 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे आपको सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग 5 से 6 लिंक्स देख सकते हैं जहाँ पे आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस देख सकेंगे। जैसे ही आपका स्टेटस आएगा, यानी कि आप लोग यहाँ पे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। प्लस आप लोग यहां से अपना आधार कार्ड का लिंकिंग स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ, आपको बताते हैं कि आपका कितना अमाउंट आने वाला है सेशन 2021 में, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। यहां पे जो अमाउंट है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की जो फीस होती है वो अलग अलग होती है और सभी स्टूडेंट्स जो हैं स्कॉलरशिप में जो फॉर्म में जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है उसमें फीस अलग अलग डालते हैं। तो चलिए चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइज, अब बात आती है कि आप अगर बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, स्कॉलरशिप जो डिपेंड होती है वो होती है आपकी फीस पर, यानी कि जितनी भी आपकी फीस होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप आती है। अब जैसा कि अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, तो उनकी स्कॉलरशिप भी ज़्यादा आती है। मगर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम होती है तो उनकी स्कॉलरशिप भी कम आती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अमाउंट बिल्कुल सही नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक की, तो देखिए पॉलिटेक्निक के प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो 28 से 30 हज़ार रुपये है, ठीक है, कुछ कॉलेजेस में 45 हज़ार भी ले रहे हैं, 40 हज़ार भी ले रहे हैं, मगर ऑफिशियली जो है 28 से 30 हज़ार के समथिंग है। तो इसमें जो स्कॉलरशिप आती है स्टूडेंट्स की वो 30 हज़ार ही लगभग आ पाती है, ठीक है। मगर अगर हम बात करें माइनॉरिटी या फिर जनरल कैटेगरी की, तो उसमें ये अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि 22 हज़ार 24 हज़ार रुपये, ठीक है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम है प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले, तो वहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो 10 से 12 हज़ार रुपये ही आती है। अब आप कमेंट्स करेंगे भाई मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मेरी 18 हज़ार आ गई थी। तो देखिए बजट पर भी डिपेंड करता है, अगर बजट होता है तो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का अमाउंट दे दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें बीटेक के स्टूडेंट्स की, तो देखिए बीटेक प्राइवेट कॉलेज की जो फीस रहती है 60 से 70 हज़ार रुपये रहती है, ठीक है। मगर हम नोएडा वगैरह की तरफ अगर जाते हैं तो ये 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये नॉर्मली फीस, मगर अगर हम नॉर्मल कॉलेज की बात करें तो 70 से 80 हज़ार रुपये नॉर्मल फीस रहती। तो इसमें जो अमाउंट होता है वो दो किस्त में आता है, एक आता है 6,600 रुपये, एक आता है 50,000 रुपये, ठीक है। यानी कि 6,600 रुपये जो होता है वो स्कॉलरशिप का होता है और 50,000 रुपये फीस वापसी का होता है, यानी कि टोटल अमाउंट 56,600 रुपये आता है। मगर कुछ स्टूडेंट्स की मैंने पिछले साल चेक की थी तो उनकी 90,000 95,000 तक स्कॉलरशिप आई थी, यानी कि उनकी फीस ज़्यादा थी, 1 लाख से ऊपर उनकी फीस। अब बात करते हैं अगर हम क्लास 11th की, 12th की, क्लास 9th की, 10th की, तो देखिए 9th 10th में 2 से 2.5 हज़ार रुपये ही आ पाते हैं और 11th 12th में 6 से 7 हज़ार रुपये ही आ पाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें बीएससी वगैरह की, तो बीएससी में 30 से 35 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप आती है, हो सकता है आपकी कम आई हो, मगर मेरा कज़िन था उसकी बीएससी बायोटेक चल रहा था तो उसकी जो स्कॉलरशिप आई थी वो 35 हज़ार रुपये आई थी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो चाहिए विद प्रूफ के साथ, यानी कि पीएफएमएस का अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए विद स्कॉलरशिप अमाउंट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसमें मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा
में पड़ेंगे स्क्रीनशॉट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स ने मुझे पिछले साल इंस्टाग्राम पर सेंड किए थे या व्हाट्सएप पर सेंड किए थे या टेलीग्राम वगैरह पर सेंड किए थे, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा दूंगा, यानी कि स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा दूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कर लिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। और जो स्कॉलरशिप है आपकी, वो आपकी नवंबर एंड से आना स्टार्ट हो जाएगी। जिन्होंने 25 अक्टूबर तक फॉर्म फिल करके कॉलेज में जमा कर दिया था, और जो छात्र अभी फिलहाल फॉर्म फिल कर रहे हैं उनकी दिसंबर एंड तक आ जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।